अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को स्पेशल और मशहूर मैक्सिकन डिश ब्रीटो बनाना सिखा रही हूँ। ब्रीटो की सीजनिंग भी मैं खुद बनाऊँगी। आप चाहें तो रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें 2 पाउंड ब्राउन बीफ चाहिए और ये 1.5 कप रेड किडनी बीन है। और सीजनिंग के लिए हमें 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टेबल स्पून कैन पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के ऑर्गेनो, 1 टेबल स्पून ऑनियन पाउडर एंड 1 टेबल स्पून क्यूमन पाउडर। ये हम यूज़ करेंगे सीजनिंग के लिए। आप बाहर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, सावर क्रीम, ये गुआकामोली। आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसे जाके देख सकते हैं। ये 1/2 लेमन, ये 1/4 टीस्पून जो है सॉल्ट, 1/4 टीस्पून क्रश चिली, 1 क्लोव गार्लिक और 1 स्पून सिलेंट्रो है, और ये टॉर्टिलाज हैं, ये 1 कप बॉयल राइस है जो हम मैक्सिकन सिलेंट्रो लाइम राइस बनाएंगे। इसके अलावा चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ है। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। सबसे पहले हम एक पॉट में ऑयल लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। इसमें हम कीमा और सारे जो सीजनिंग है हमारे डाल के इसको मिक्स करेंगे, और 1/4 कप पानी डाल के हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखें, इसका पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। बस इसको मैं भून लूँगी। ये देखें, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल में 1 क्लोव गार्लिक को डाल के थोड़ा सा पकाएंगे। ये हम बना रहे हैं सिलांट्रो लाइम मैक्सिकन राइस। जैसे ही लहसुन का कलर चेंज होगा लेंगे राइस, क्रश चिली, सॉल्ट, सिलांट्रो, इसको डाल कर हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और लेमन जो है हम अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। बरीटो के लिए जो हमें मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है, उसमें किसी भी टाइप का चिकन, बीफ हम यूज़ कर सकते हैं, और अपनी पसंद के कोई भी बीन्स है और राइस है, इसके अलावा मोज़रेला या चेडर चीज़, जो भी आपको पसंद हो वो आप हम डाल सकते हैं। ये देखें, हमारा मैक्सिकन राइस रेडी हो गया है। सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम अपने टॉर्टिला पे सबसे पहले जो है सावर क्रीम लगाएंगे। फिर उसके बाद ये ग्राउंड बीफ जो बनाया था वो रखेंगे। फिर ये रेड किडनी बीन, फिर गुआकामोली, ये बहुत हेल्दी डिश है। उसके बाद ये मैक्सिकन राइस और चेडर और मोज़रेला चीज, इसको हमने दोनों साइड से पकड़ के बस इसे हमने फोल्ड कर देना है,
और किसी भी ग्रीस पैन को एक दफ़ा ग्रीस करके बस उसको गर्म करते जाना है दोनों साइड से। ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया इसका। इसी तरह मैं सारे गर्म कर लूंगी। आप लोग भी ये रेसिपी बनाएं, आप लोग को भी बहुत अच्छी लगेगी। अब मैं इसको सेंटर से कट कर रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा रेडी हो गया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग भी इसे बनाएं, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।